हर स्टूडेंट ये सपना देखकर तैयारी करता है कि मुझे सफल होना है, लेकिन समय बीतने के साथ ये देखा गया है कि वो अपने सफलता के रास्ते से कहीं दूर चला जाता है। उसकी सफलता के रास्ते में कई अड़चने आ जाती हैं और कई बार वो उन अड़चनों से पार नहीं पा पाता और अपने सपनों की मंजिल तक पहुँचने से रुक जाता है। जब बच्चों से बात किया, उनकी काउंसलिंग की, उनसे मिला और पूरे नॉर्थ इंडिया के अलग अलग जगहों पर मैं घूमा, तो मुझे कुछ आउटपुट निकल कर आया कि आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो एक स्टूडेंट की सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा बन सकती हैं या ऑब्स्टेकल हैं जो उसको सफल होने से रोकती हैं। तो चलिए उन मूलभूत तत्वों के बारे में बात करते हैं और हम ये देखते हैं इन्हें कैसे हटाया जा सकता है। पहला जो होता है, लैक ऑफ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट। हमारे जो मूलभूत सब्जेक्ट होते हैं उनकी जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है वो नहीं हो पाती है। जब स्टूडेंट अपनी तैयारी को शुरू करता है और अगर वो अपने विषय के कोर पॉइंट से साथ नहीं जोड़ पाता, उसके साथ अटैच नहीं हो पाता, तो ये देखा गया है कि वो अपने सब्जेक्ट, उसकी अवधारणा से बहुत दूर चला जाता है, वो काफ़ी हट जाता है और सबसे बड़ी बात है उसका एक डिटैचमेंट क्रिएट हो जाता है। नहीं, ये सब्जेक्ट अभी मेरा नहीं है, मैं तो साइंस का हूँ, मैं आर्ट नहीं पढ़ सकता, मैं आर्ट का हूँ, मुझे इकोनॉमिक्स नहीं आती। लेकिन यूपीएससी में आपको सभी विधाओं का ज्ञाता होना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। सो ऐसी कंडीशन में जब तक कोई टीचर आपके उसको कोर या उसके बेस को नहीं बताता या कोई व्यक्ति आपको उसके कोर सब्जेक्ट को क्लियर नहीं करता, तब तक इस सब्जेक्ट के साथ अटैचमेंट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा हम देखते हैं लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट। ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। जब अंडरस्टैंडिंग कम होती है, अंडरस्टैंडिंग का मतलब उसके बेसिक प्रिंसिपल या कोर सिद्धांतों की समझ, जैसे जैसे सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग कम होती चली जाती है हमारा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कम हो जाता है। और आप ये जानते हैं, अगर किसी चीज़ में हम इंटरेस्ट ना लें तो वो चीज़ हमारी कभी नहीं हो सकती है। अगर हम अपना इंटरेस्ट लेते हैं, सबसे पहले रुचि जगाते हैं, जब रुचि लगाते हैं तो दिल और दिमाग दोनों एक ही जगह काम करता है और ऐसी कंडीशन में हम उसमें सक्सेस हो सकते हैं। बट ये श्रृंखला शुरुआत हो जाती है, कोई आपसे बात नहीं करता या आप उसके साथ जुड़ नहीं पाते, आप बड़े बड़े बैचेस में होते हैं, अपने टीचर से अटैच नहीं हो पाते, बात नहीं कर पाते, सो धीरे धीरे सब्जेक्ट का आप जो इंटरेस्ट है आप वो खत्म होता चला जाता है। यही हम प्रयास करते हैं अपने कॉन्सेप्टर बैच में, जहां हम सुपर 50 बैच लेकर आते हैं और हम फोकस करते हैं कि एक टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन हो और टीचिंग की जगह हम लर्निंग प्रोसेस को एस्टैब्लिश कर सकें, बात कर सकें और हम उस क्यों वर्ड से शुरुआत कर सकें कि हम किसी भी शब्द के साथ जाते हैं तो हम उसके क्यों को जो है वो टच कर सकें, उसके बेसिक प्रिंसिपल को जान सकें, ताकि सब्जेक्ट में आपका एक इंटरेक्शन जो है वो शुरुआत हो जाए। तीसरा होता है लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, यानी स्व अनुशासन की कमी, बहुत बड़ा कारण होता है। स्व अनुशासन एक विधा होती है। अगर मैं आपसे कह दूं आपको अनुशासित रहना चाहिए, दुनिया में जाने कितने लोगों ने आपसे ये बात कही होगी, अनुशासित होकर पढ़ो, अनुशासित होकर ये काम करो, बट किसी ने ये नहीं बताया कि कैसे कैसे मुझे करना है, आखिर वो मैथोलॉजी क्या होगी, वो तरीके क्या होंगे जो मुझे सेल्फ डिसिप्लिन के रास्ते पर लेकर चले जाए, चाहे वो मेरे सोने जागने की हैबिट हो, मेरे खाना खाने का तरीका हो, मेरे पढ़ने का तरीका हो, या मुझे 2 घंटे से अपनी पढ़ाई की शुरुआत करके 10 घंटे तक पढ़ाई ले जाने का तरीका हो, आखिर ये सेल्फ डिसिप्लिन कैसे क्रिएट होगा, या वो डिस्ट्रैक्शन जिसको मैं अवॉइड कर सकता हूं, मैं अपने आप से कैसे पूछ सकता हूं कि मैं कितने घंटे व्हाट्सएप पे, कितने घंटे फोन पर या कितने घंटे दोस्तों के साथ मैं बर्बाद करता हूं। ये मैथोलॉजी होती है जिसको हम लोग क्लासेस में इसको properly लेकर आते हैं, एंड वी कॉल इट अ डायरी एंड मॉनिटरिंग मैथड। हम इसको डायरी और मॉनिटरिंग मैथड कहते हैं, जहां हम आपके साथ हम इस सेल्फ डिसिप्लिन को क्रिएट करना शुरू करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। जो पुअर टाइम मैनेजमेंट होता है ज्यादातर स्टूडेंट्स की असफलता का मुख्य कारण होता है। ये टाइम मैनेजमेंट दोनों तरीके से होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, यानी आप गुणात्मक रूप से भी इसको खराब करते हैं और मात्रात्मक रूप से भी इसको खराब करते हैं। एक बहुत अच्छा मैंने ग्राफ मैथड डेवलप किया हुआ है, जहां पर मैं इसके बारे में बात करता हूं, स्टूडेंट को प्रैक्टिस कराता हूं और स्टूडेंट के साथ वो बहुत ही कंफर्टेबल होते चले जाते हैं कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपने देखा होगा कि एक मैंने वीडियो भी डाला था, इसको बहुत लोगों ने जो है वो लाइक किया, बहुत लोगों ने इसको व्यू किया है, 3 लाख से ज्यादा लोग इसको देख चुके हैं, समय प्रबंधन का वो वीडियो है, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है, उसी के एडवांस वर्जन भी जो है वो उसके साथ में काम करता हूं। और यहां पर जो है वो टाइम मैनेजमेंट जैसे जैसे आप संभालते चले जाते हो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ता चला जाता है, आप बहुत अच्छा इसमें काम करते हो। नेक्स्ट है लेस टाइम फॉर प्रिपरेशन। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, स्टूडेंट के पास टाइम बहुत कम होता है और कई बार वो बहुत ही एक जिसे कहते हैं कि ऐसे इमेजिनरी गोल्स बना लेता है 6 महीने 7 महीने 8 महीने की तैयारी में कि सर मैं आईएएस बनना चाहता हूं, मैं आईएएस बन जाऊंगा, मैं तैयारी कर लूंगा। धीरे धीरे जब उसके सब्जेक्ट के प्रेशर बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो वो फिर डिटैच हो जाता है, वो फेडअप होना शुरू हो जाता है कि मेरे से नहीं हो पा रहा है।
कम से कम तैयारी में आपको एक अच्छा खासा समय देना पड़ता है। अगर आप शून्य से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां पर आप अपने सिलेबस की कवरेंस के साथ साथ आप अपनी पर्सनैलिटी को भी निखारना चाहते हैं, तो मिनिमम आपको 2 वर्ष इसमें आपको लगाने पड़ते हैं, झोंकने पड़ते हैं, अपने आप को तैयार करना पड़ता है। और यही देखते हुए हमने कॉन्सेप्टर बैच की स्थापना भी की थी। हमें ये बात समझ में आ गई कि किसी भी चीज़ को बनने और उसको बड़ा होने में एक अच्छा खासा समय लगता है। अगर आप एक पौधा लगाएं, आपको आम का पौधा आपने लगाया, उसमें भले चाहे आप कितना खाद पानी डाल दें, लेकिन अपने समय से पहले वो जो है वो आम देना नहीं शुरू करेगा। आप उसके ऊपर अतिरिक्त दबाव डालेंगे, ढेर सारा पानी डाल देंगे, तो हो सकता है पौधा सड़ जाए। यहाँ पर भी वही काम जो है कॉन्सेप्ट काम करता है, जहाँ पर आपको अपनी तैयारी में एक समय देना पड़ता है, एक नियोजन करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के तरीके लेकर आने पड़ते हैं। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं, ये 5 सेगमेंट्स होते हैं, ये हमारी असफलता का कारण बन जाते हैं, ऑब्स्टेकल ये क्रिएट करते हैं, और धीरे धीरे ये ऑब्स्टेकल इतने बढ़ते चले जाते हैं कि हमें ये लगता है कि शायद ये जो ड्रीम हमने देखा है उसको पाना हमारे लिए असंभव है। लेकिन अगर आप शुरुआती दौर पे ही इनको कंट्रोल करना शुरू करो, इनको मैनेज करना शुरू करो, तो ये जो सफलता है वो हमसे ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकती। और यही हम कॉन्सेप्टर बैच का बेस बनाते हैं, यही हम यहाँ काम करते हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए जो अंडर ग्रेजुएट हैं, वो जो अभी 12th पास करके आए हैं और UPSC की तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं, कम उम्र में सेवा में जाकर अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। स्वागत है उन सभी स्टूडेंट्स का, उन सभी मेधावी बच्चों का जो इन समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहते हैं। 20 मई से सुबह 11:30 बजे हिंदी मीडियम और शाम को 4:30 बजे इंग्लिश मीडियम, ये 4th बैच हमारा है। और इसके बाद जो हमारा 5वां और 6th बैच होगा वो 15 जून से प्रारंभ होगा, और इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गए हैं। दिए गए नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं और जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये केवल सुपर 50 बैच है, केवल 50 बच्चों के लिए ये, इसमें जो है वो सीटें आरक्षित हैं। और इस तरह जो है हम एक इंट्रैक्शन करते हैं, हम एक गुरुकुल पद्धति को जन्म देते हैं, और आप सभी मेधावी स्टूडेंट का इसमें बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।